नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कांग्रेसी सांसद अधीररंजन चौधरी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पलटवार, कहा देश की महामहिम राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी है अत्यंत निंदनीय। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी है अपमान। मुहर्रम रक्षाबंधन शिवरात्रि का त्योहार सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, परंपरागत रास्तों से ही लाए व ले जा सकेंगे ताजिए, नई परंपरा नहीं होगी कायम। जनपद में लगातार ट्रैफिक को लेकर जमीन पर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त करने के लिए आईटीएमएस कंट्रोल रूम का एसपी ट्रैफिक ने किया निरीक्षण, कहा महानगर की सड़कों पर चलने वाले लोग अब हो जाएं सावधान, एक दिन में 1,00,000 ऑटोमेटिक चालान करने की है क्षमता। गीड़ा थाना क्षेत्र के गाहा साड़ में अनियंत्रित होकर स्कूली बस पलटने से आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। स्कूल प्रबंधन ने घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भेजकर कराया इलाज। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार, तहरीर मिलने पर की जाएगी उचित कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन हो गई है अलर्ट, शांतिपूर्वक सभी त्योहार को संपन्न कराने के लिए पुलिस है कटिबद्ध। नागरिकों से की अपील, कहा जैसे पिछले दिनों में दिया है सहयोग, वैसे ही शांतिपूर्वक मनाए आगामी त्योहार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदेश पर अपने प्राण निछावर करने वाले शहीद के परिवारों को नहीं देना पड़ेगा नगर निगम का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, नगर निगम अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए लिया है यह फैसला। विश्व बाघ दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर टाइगर का किया गया आयोजन। स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ किया प्रतिभाग। डीएफओ विकास कुमार यादव ने कहा, टाइगर बचेगा तो ही बचेगा हम सभी का जीवन। विभिन्न चौराहों पर रोड के किनारे और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के विरुद्ध ट्रैफिक विभाग चला रहा है अभियान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर एमबी एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम ने चलाया स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में जनपद को टॉप 10 में लाने का है लक्ष्य। और स्वर्गीय चंद्रमौली पांडे की पुण्यतिथि पर आयोजित अंडर 15 जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिले के सभी अखाड़ों एवं गांवों से लगभग 120 बच्चों ने किया प्रतिभाग। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महामंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, स्वर्गीय चंद्रमौली पांडे की स्मृति में हुई कुश्ती प्रतियोगिता ही है उनको सच्ची श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति के प्रति एक गैर जिम्मेदार और अभद्र बयान दे दिया, जिस पर उन्होंने बाद में माफी भी मांग लिया, लेकिन उनके बयान पर सियासी उबाल भी उमड़ पड़ा। कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि देश की महामहिम राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान करती है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत की जनजाति समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही एक प्रकार से देश का भी अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार की किसी भी टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है।
यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकती है। मुहर्रम त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एनएक्सी सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों, पीस कमेटी सदस्य व मुतवल्ली के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिससे मुहर्रम, रक्षाबंधन, शिवरात्रि का त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने ताजियदारों से आह्वान किया कि वे नई परंपरा कायम नहीं करें और परंपरागत तौर तरीके ही अपनाएं। प्रशासन और ताजियदार के मुखिया आपसी सामंजस्य कायम रखते हुए पुरानी परंपराओं के अनुसार जिन रूटों से ताजिया का जुलूस निकलता था उसी रूट से अपनी अपनी ताजिया का जुलूस निकालें। यह सभी कार्य मुहर्रम प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित कर लें। प्रशासन व ताजिया रखने वाले ताजियदार के मुखिया SSP ने एडिशनल SP व सर्किल अफसर को निर्देशित किया कि कहीं से किसी तरह की चूक ना होने पाए। कहा कि कानून व्यवस्था में खलल डालने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर है। इतना ही नहीं, मुहर्रम के दिन किसी भी प्रकार की लाठी, डंडा, भाला लेकर नहीं जाएंगे। किसी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करते कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर दूसरे जगह होने वाले विवाद को लेकर स्थानीय स्तर पर बिना जाने कोई भी शेयर और पोस्ट किया उसके बाद अगर विवाद उत्पन्न हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खास तौर पर मोबाइल का यूज करने वाले युवाओं को व्हाट्सएप, फेसबुक पर अफवाह से बचने और इस तरह का विवाद वाले फोटो, वीडियो, पोस्ट और शेयर के अलावा कमेंट करने से बचने की सलाह दी। इसके बाद मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए संवेदनशील जगहों पर पुलिस, PSC, महिला पुलिस, यातायात व अग्निशमन दल विशेष सतर्कता बरतने के लिए लगाए जाएंगे। कहा कि सावन माह रक्षाबंधन का त्योहार भी सामने है, इसमें आपस में भाईचारा बनाकर त्योहार मनाया जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, ADM City विनीत कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश कुमार मिश्रा, समस्त उप जिलाधिकारी व समस्त क्षेत्राधिकारी तथा गोरखपुर जनपद के पीस कमेटी सदस्य मुतवल्ली तथा थाना अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, और तकरीबन 25 अधिकारी हैं, सभी लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी सेवा करते हैं और फिर जाते हैं। ये पूरा शहर ये हम लोगों का है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई भी इस तरह की घटना दुर्घटना ना हो और कहीं भी अगर कोई भी चीज़ अगर दिखाई दे रही है तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें। वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तार अभी भी बिजली के नीचे हैं, तो उसको एक बार चेक करवा लिया जाए। जिस रास्ते से जुलूस गुजरने हैं, जिला मियां साहब का जो रास्ता था वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो काम पूरे तौर पर चल रहा है और हम सब लोग आपके साथ में हैं। तो कराएंगे जो भी बात उनकी है या उनको जो भी प्रॉब्लम है, बस मेरी एक बात कहनी है कि यहाँ पर हम लोग हमेशा से गोरखपुर एक मिसाल है और हमारे माननीय योगी जी का ये शहर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप छोटी सी भी एक्टिविटीज होती है वो बड़े बहुत बड़े रूप में आगे जाती है कि ये माननीय हमारे योगी जी का शहर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं होने देने कि पूरा वो करेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, प्रशासन से भी कहेंगे हम लोग कि
कि अगर आपको कोई फोन कर रहा है या कोई बात है तो अगर आप कहीं बिजी हैं या कोई बात है तो नेक्स्ट उसको भी आप कॉल बैक उससे कर करके उससे जरूर उससे बात पूछ लीजिए कि भाई आपके बात क्या है। आप सब अच्छे से सारे त्यौहार को निकलवाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। ये अच्छी बात आई आपकी, सही बात है। और इसमें एक अनुरोध है, सभी मार्गों का भ्रमण कर लीजिए स्वयं, अपने हल्का इंचार्ज या चौकी इंचार्ज के भरोसे मत छोड़िए। खुद एक बार सभी आयोजकों को जो आपके यहाँ ताजीदार है, जो जुलूस के आयोजन हुई है, खाली गंदी है, साफ सफाई की व्यवस्था होती है, ये सारी चीज़ें नोट करके आप स्वयं से हमें या एसएससी आपको बताइए, उसको आप नगर निगम से होना है, नगर पालिका से होना है, तहसील से होना है, नगर निगम है या नगर निकाय है यहाँ पर, या बाकी PWD है या जो रोड बनाते हैं, ये सभी एक जॉइंट टीम बना करके उस रोड का निरीक्षण करें और वहीं पर आइडेंटिफाई कर लें कि उनके बाकी क्या समस्या है। क्योंकि बताने में कई बार ये होता है कि उनके यहाँ से हो सकती है, नहीं हो सकती है, या कैसे ये कब होगी, तो ये जॉइंट टीम के माध्यम से ही ये विजिट हो। और आई थिंक CEO और SDM जो है वहाँ पे वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, टाइम तय कर लें, बाकी टीम के मेंबर्स को समय दे दें और जो आयोजक हैं जिनका जुलूस पूरे रूट पर निकलना है उनको साथ लेकर के ये करें। और जब संबंधित CEO और SDM साहब इसको कंफर्म कर देंगे कि अब रूट क्लियर है, उसके बाद ही हम इस चीज़ को मानेंगे कि सारे काम जो होने थे बाकी भागों के वो भी हो गए हैं। कल का दिन CDM साहब कह रहे हैं, कल का दिन भी इसके लिए तय किया जा सकता है, बट ये CEO और SDM की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले जो भी थाने हैं, उन क्षेत्र में होने वाले जो भी जुलूस हैं, उन संबंध में बाकी विभागों को लेकर ही रूट का भ्रमण करें। वो अपना किला माफी हमारे नाम है। उसी चीज अलीगढ़ में पगड़ी करते हैं सब, बीच में रास्ते बीच में पगड़ी करते हैं, उसकी सोच जो बिल्कुल नीचे रह गई है। जुलूस है इसमें पूरी जुलूस से जो सिलसिला शुरू होता है वो चार मुहर्रम की चार तारीख, मतलब छः दिन रेगुलर चलता है जुलूस, मुहर्रम की चार तारीख जुलूस हो जाएगा। तीन दिन को घर बना करो से निकलते हैं, बख्शीपुर नसाज बेनीगंज जाफरा वाला गैसी करना होते हुए मिर्जा को निकल जाते हैं, सभी अपने मार नहीं करते, बाकी इनके पीछे पीछे उसका विवाद कर। तीसरी चीज सर, जो सड़क निर्माण और मकान बन रहा है उन पर इलाज है कि स्वास्थ्य जो इनका आगे है उनके आप ध्यान रखें। और ये जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्रियों की, बहुत सारा तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे क्षेत्र में गए तो जो उसको अपने कार्य घुमा तरीका सिस्टम का उससे सिस्टम करें ना, कोई विवाद नहीं है सर। अपनी बात नहीं जुलूस का आयोजन उसका माना जाएगा। बात आप ये नहीं कह सकते वो बात आपको बात क्या है उन्हें गली या उपरती या उनको हम जानते थे ये सब नहीं कर जाएगी। इसके लिए स्पष्ट मैसेज भी ताजिए का हाइट बढ़ाना नहीं है और कोशिश करिए कि ताजिए की हाइट कम ही रहे ताकि कहीं पर बिजली के तार में फंस के कोई दुर्घटना ना हो, कहीं तार में जो आपके ताजिए होंगे उनकी हाइट आप प्रॉपर जो पहले से रहता है उससे बढ़ाना नहीं है, बल्कि अगर कम रखिए जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिए वो बेहतर रहेगा ताकि आराम से हर जगह से उसको निकाल नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार बात नहीं कर रहे हैं, तीन ताजिया के जो ताजियादार हैं गली के वो परेशान है कि जब पानी बरसेगा कीचड़ लगेगा तो हम ताजिया कैसे रखेंगे। ये साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको शुक्रिया इस बात का कि आपने इतना बड़ा काम हमारे मोहल्ले में करा दिया। अहमदनगर में एक काम रह गया तीन ताजिया वाली गली में, इसको भी रखवा दें। जय मजिस्ट्रेट साहब को उपलब्ध करा दिया गया, जो जितनी समस्याएं शहर की आई थी छोटी और बड़ी सारी समस्याएं उपलब्ध करा दिया गया है। एक समस्या सर अभी आई है, हरिशंकर तिवारी जी के हाथी के बगल में जो बड़ा करबला है, लायन की ताजिया उस करबले में दफन होती है, हर साल नगर निगम से वहां सफाई और खुदाई का काम होता है, तो समय कहते हुए वहां खुदाई और सफाई का काम करा दिया जाए ताकि लाइन अखाड़े की जो ताजिया है काफी मात्रा में वहाँ ताजिया दफन होती है सर। सब लोग मौजूद रहेंगे, अगर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि काम जो है उसको फॉरवर्ड तय न करें। शुक्रिया बहुत बहुत, और पिछले साल भी और इस साल भी पूरी पूरी प्रशंसा करना चाहूंगी। अभी सबसे बड़ी बात होती है किसी भी मार्ग पे चाहे वो चौराहा हो या कोई भी क्षेत्र हो, जाम की समस्या से जो निजात मिली है उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित यातायात अधीक्षक की बहुत बहुत प्रशंसा करूंगी कि शहर में होने वाले जाम से उन्होंने निजात दिलाया और लगे हुए हैं। और कोई भी त्योहार तभी अच्छे से मन सकता है जब जाम ना हो,
लोग उस क्षेत्र के आसानी से जा सके और सड़कों की भी व्यवस्था काफी अच्छी है क्योंकि कांवरिया अपने कांवरियों द्वारा जा रहे हैं जलभर के और मार्ग में फूल बरसाए जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा हर क्षेत्र में जगह जगह चौकसी बढ़ती जा रही है जिससे कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य अराजक तत्व उत्पन्न न कर पाए क्योंकि अपराध जो है आपराधिक छवि के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। देखिए आने वाले दिनों में जो त्यौहार आयोजन होने हैं उस संबंध में 21 कमेटी की मीटिंग यहाँ पर की गई है और विशेष रूप से जो मुहर्रम के जुलूस हैं उससे संबंधित जो मुतबल्ली हैं और जो आयोजन कमेटियाँ हैं उनके लोग आज यहाँ पर आए थे। प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारी मौजूद थे। एक अच्छे माहौल में परंपरागत रूप से ये सभी आयोजन एक सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हों इसके लिए सभी के सुझाव भी लिए गए हैं और कैसे शांति के एक माहौल में इनको संपन्न कराया जाए उसके लिए सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि जैसे पूर्व में जनपद गोरखपुर ने शांति और सद्भाव का एक अच्छा मैसेज हमेशा से यहाँ से दिया है आने वाले दिनों में आयोजन होंगे शांति प्रिय ढंग से संपन्न होंगे और एक अच्छा मैसेज यहाँ से मिला। जनपद में लगातार ट्रैफिक को लेकर जमीन पर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त करती नजर आ रही है। गुरुवार को एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह आईटीएमएस में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया तथा इसके जरिए ऑटोमेटिक चालान का प्रशिक्षण किया। आपको बता दें कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अब जनपद में एक हफ्ते बाद से ही ऑटोमेटिक तरीके से चालान कटना शुरू हो जाएगा जिसको लेकर आज उसका परीक्षण भी कर लिया गया जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि महानगर की सड़कों पर चलने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। अब गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए चौराहों पर लगे आईटीएमएस यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत महज एक हफ्ते बाद से ही कटेगा ऑटोमेटिक चालान। अब कोई ट्रैफिक का पुलिस का बंदा आपकी चालान नहीं काटेगा बल्कि चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे यानी तीसरी नजर के रेंज में आते ही जैसे ही आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो आपका चालान कट जाएगा। इस ऑटोमेटिक चालान उसका डेमो तैयार किया गया है। एक दिन में इन कैमरों की क्षमता तकरीबन 1,00,000 चालान काटने की है। एक दिन में 1,00,000 चालान काटा जा सकता है। ऐसे में अगर आपने स्टॉप लाइन के आगे गाड़ी बढ़ाया सिग्नल रुकने के बाद तो आपको ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। बाएं लेन को अगर आपने ब्लॉक किया तो भी आपका चालान कट जाएगा। यहाँ एक बात और वाहन स्वामियों को समझनी होगी, पहले की तरह नहीं कि एक बार चालान कट गया तो दोबारा नहीं कटेगा। एक चौराहे पर चालान कटा तो अगले चौराहे पर आपने फिर अगर गलती की तो फिर कटेगा चालान। अब ऐसे में आईटीएमएस के द्वारा इस पूरे सिस्टम को लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा 10-15 आदमी का कौन दौड़ रहा था, पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं, अगर नहीं लिखा तो भी हो जाएगा। लिख दीजिए ना, रीजन लिख दीजिए, लिख रहे यहाँ के आदमी समझ नहीं पाएगा ना, रिमार्क तो लिखना पड़ेगा। कार का निकाले हो, हम तो ऑटो की बात कर रहे थे, उसी टेपन एफ जो ऑटो था। इनका रेड वॉल्यूशन में कंट्रोल रूम के द्वारा चालान किया जाएगा। ये ऑटो रिक्शा हरे और पीले रंग का ऑटो रिक्शा, गार्ड साहब इनको तत्काल बाएं से बाएं भेज दें, बाएं से बाएं अपने वाहन को लेके जाएं, अन्यथा आपके वाहन का कंट्रोल रूम के द्वारा चालान किया जा रहा है। आप सभी वाहन चालक कृपया ध्यान दें, बायां लेन अवरुद्ध ना करें, बायां लेन खाली रखें, अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पीछे खड़ा करें। ये सफेद रंग का शर्ट पहने हैं, येलो शर्ट, अपने वाहन को तत्काल पीछे कर लें। कचहरी से गोलघर ये येलो शर्ट, अपने वाहन को पीछे करें, अन्यथा आपके वाहन का कंट्रोल उनके द्वारा रेड वॉल्यूशन में चालान किया जा रहा है। सिग्नल अवश्य फॉलो करें, सिग्नल के माध्यम से वाहन चलाएं, फॉलो करें, अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पीछे खड़ा करें।
कूड़ाघाट से मोदीपुर, ये तत्काल अपने वाहन को पीछे करें, अन्यथा आपके वाहन का कंट्रोल रूम के द्वारा चलान किया जा रहा है। ये जो भी वाहन चालक कूड़ाघाट से पेडलेगंज ये कमर्शियल वाहन अपने वाहन को खड़ा किए तत्काल आगे बढ़ा लें, अन्यथा नो पार्किंग में आपके भी वाहन का कंट्रोल रूम के द्वारा चलान किया जाएगा। आप सभी को बार बार बताया जा रहा है कि जब येलो सिग्नल हो उसी दौरान अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पीछे खड़ा कर लें। ये लाल रंग का झोला, अभी ग्रीन सिग्नल हो गया, आप अपने वाहन को आगे बढ़ाएं, लेकिन आगे से ध्यान हो गया। जब येलो सिग्नल हो उसी दौरान अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पीछे खड़ा कर लें। सिग्नल अवश्य फॉलो करें आप लोग, सिग्नल के माध्यम से वाहन चलाएं। अपने जो सुबह शाम दिन को आना था सीख रहे हैं वो कुछ उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, और रिकॉर्ड आप इस पे लेफ्ट लेन पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। एक मैसेज बना लीजिए कि अगर किया ऑटोमेटिक चालान सभी का हो जाएगा, इस बारे में कोई नया एक डिजाइन कर लीजिए। हाँ, कल को कोई ये ना कहे कि आपका तो मैं सुनता था। हाँ। ये सारी चीज़ें सब करवाइए। रेड कलर का शर्ट पहने, व्हाइट पैंट, रेड शर्ट, शास्त्री चौक नहीं है, पेडलेगंज, पेडलेगंज, कूड़ाघाट से पेडलेगंज। ये बाई लेन में जो भी वाहन चालक अपने वाहन को खड़ा किया तत्काल आगे बढ़ाए, अन्यथा इनके वाहन का नो पार्किंग है। उस चौराहे पर भी है, आप देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा है। देखिए लेफ्ट लेन देखिए पूरी खाली है, स्मूथ चलती हुई दिख रही है। ये सब नागरिकों को सहयोग से ही संभव हो सका है। लोग जितना अवेयर होंगे तो उससे उनका पैसा भी बचेगा, चालान नहीं होगा तो, और अपने को उदाहरण के रूप में एक अच्छे नागरिक के रूप में, बेटर सिटीजन के रूप में वो खुद को साबित कर सकेंगे। संदेश कुमार चौधरी बोल रहे हैं। बताइए क्या समस्या है? सुन पे सब ठीक चल रहा है सर? ठीक सर, ठीक चल रहा है सर। लेफ्ट लेन को एकदम क्लियर रखे देती है, तो जिनकी नंबर प्लेट फाल्टी है उनका फ़ोटो खींचते रहिए, या जिनकी भी नंबर प्लेट छिपी हुई है उनका फ़ोटो खींचते रहिए, और जो पीआरडी और होमगार्ड के जो सहयोगी हैं उनको ड्यूटी के प्रति सेंसिटाइज करते रहें, ब्रीफ करते रहें, और सभी को मोटिवेट करते रहें। और ट्रैफिक पुलिस का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोगों को बढ़िया यातायात व्यवस्था दें, ना कि किसी को अनावश्यक रोक के बारे में आप सभी को सेंसिटाइज करते रहें। थैंक यू। देखिए आईटीएमएस का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के लिए बेहतर यातायात सुविधाएं मुहैया कराना, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ लोगों के लिए ऑडियो सिस्टम के माध्यम से एजुकेट करना, ताकि अननेसेसरी लोग परेशान ना हों। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो चालान यहाँ पे कैमरे डिटेक्ट कर रहे थे, हो तो वो भी सेमी ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा था अभी तक चालान, अभी कुछ समय बाद ये चालान पूर्णतया ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब हमको किसी को टोकने और बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि किसने रेड लाइट का वायोलेशन किया या किसने लेफ्ट रूट के लिए ब्लॉक किया, उन सबको स्वयं ही उनकी पिक्चर आके अपने आप उसका चालान हो जाएगा, और सिंगल क्लिक पे वो सब उसमें NIC के फोल्डर में चले जाएंगे। तो ये कब तक चालू हो जाएगा? अभी इसका परीक्षण चल रहा है, और अगले एक सप्ताह में हम इसके लिए एक्टिवेट कर देंगे पूरे शहर में। जिले के गीड़ा थाना क्षेत्र के गाहासाड़ में स्कूली बस पलटने से आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने निजी अस्पताल में भेजकर इलाज कराया। घटना की जानकारी मिलने पर SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी मौके पर पहुंच गए। गीड़ा पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि सहजनवा थाना क्षेत्र के भीटी रावत स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल की बस जैतपुर पिपरौली बुकटा कालेसर होते हुए गाहासाड़ से बच्चों को लेकर भीटी रावत स्थित विद्यालय जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक बस को तेज रफ्तार से चला रहा था। अभी वह गाहासाड़ के राम जितवा टोला के पास पहुंचा ही था कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार हर्षिता मिश्रा, प्रज्ञा मिश्रा, श्रियांश दिव्यांश जायसवाल, श्रेया जायसवाल घायल हो गए। स्कूल प्रबंधन ने घायल बच्चों को अपने ही निजी अस्पताल में इलाज कराया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर SP नॉर्थ
मनोज कुमार अवस्थी, एसडीएम सुरेश, तहसीलदार केशव प्रसाद, नायब तहसीलदार अमित कुमार सिंह पहुंच गए। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। एसपी नॉर्थ ने कहा कि घटना को लेकर किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है, तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, स्कूल सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल की एक बस जिसमें लगभग 25 से 30 बच्चे सवार थे, वो थाना गीडा क्षेत्र में पलट गई है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, किसी को कोई विशेष चोट नहीं लगी है। सभी अपने गार्जियन के साथ अपने घर चले गए हैं। गाड़ी के ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि गाड़ी की फिटनेस वगैरह और सारी चीज़ें पूर्ण थी कि नहीं, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद में सावन, मुहर्रम और रक्षाबंधन के त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आने वाले दिनों में जो त्योहार आने वाले हैं उसके संबंध में लगातार मीटिंग की जा रही है। जिन जिन क्षेत्रों में जुलूस निकलते हैं उन क्षेत्र के रूटों पर भ्रमण किया जा रहा है तथा जिनकी अध्यक्षता में जुलूस निकाली जाती है उनसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो शासन द्वारा निर्देश दिया गया है उसी के तहत जुलूस निकाली जाए और शांतिपूर्वक सभी त्योहार संपन्न हो, इसका पूरा प्रयास की जा रही है तथा हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जैसे पिछले दिनों में सहयोग दिया है वैसे ही आने वाले त्योहारों में शांतिपूर्वक ढंग से मनाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, इस समय पर जो त्यौहार चल रहे हैं भले वो सावन महीने का हो, कांवड़ यात्रा हो, या आने वाले दिनों में जो मुहर्रम का आयोजन यहाँ पर होना है, उस संबंध में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। जिस जिस क्षेत्र में जुलूस निकलते हैं उस क्षेत्र में जो रूट है उसका भ्रमण भी किया जा रहा है। जो मुतबल्ली हैं और जिनकी अध्यक्षता में ये जुलूस निकलते हैं उनसे के साथ भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है। विगत वर्षों में जो भी घटनाएं हुई हैं उसका भी संज्ञान लिया जा रहा है, जो संवेदनशीलता है उसके लिए भी, और जो नियम शासन द्वारा तय किए गए हैं उन्हीं के तहत सभी जो जुलूस हैं वो निकाले जाएं और शांतिपूर्वक ढंग से सौहार्द के माहौल में सभी आयोजन संपन्न हो, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सकुशल संपन्न कराने के लिए भले वो सीसीटीवी कैमरा है, बॉडी वॉर्न कैमरा है, उसकी वीडियोग्राफी है या ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल होना है, वो सभी जगह पर किया जाएगा और उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और सुपरविजन की जाएगी। देखिए, सभी त्यौहार तभी सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाते हैं जब जनता का सहयोग उनसे मिलता है, और मुझे पूरा आशा ही नहीं यकीन है कि जैसे विगत दिनों में हमेशा गोरखपुर वासियों ने और विशेष रूप से शहरवासियों में इसमें सहयोग दिया है और आपस का भाईचारा बनाए रखा है, वैसे ही आने वाले दिनों में भी सौहार्दपूर्ण माहौल में ही ये सभी आयोजन, सभी त्यौहार और सभी जो इसे मनाए जाने हैं वो मनाए जाएंगे और जनपद गोरखपुर से सौहार्द का और आपसी सद्भाव का एक अच्छा मैसेज बाकी जगह पर जाएगा। नगर निगम ने अनोखी पहल की है। इसके तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या देश पर अपने प्राण निछावर करने वाले शहीद के परिवारों को नगर निगम का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि आज़ादी की इस लड़ाई में जिन लोगों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है उन शहीदों के वीरों के परिवारों की देखभाल स्वयं करें, इसी को देखते हुए नगर निगम अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए फैसला लिया है कि बोर्ड और कार्यकारिणी के माध्यम से जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है या देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को निछावर कर दिया है उनके परिवारों को हाउस टैक्स और जल टैक्स पूरी तरह से मुफ्त रखा जाएगा तथा जल्द ही बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को जारी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जैसा कि आप भी जानते हैं कि देश इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस पूरे वर्ष लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं जिनको कि अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है और इसी की कड़ी में 11 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक प्रत्येक घर में तिरंगा कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसका मूल उद्देश्य है कि आम देशवासियों के भीतर देशभक्ति के जज्बे को जगाना और युवा पीढ़ी को यह बताना कि यह जो आज़ादी हमने पाई है
कितने मुश्किलों से इसको पाया है और इसलिए हमें इसको किस प्रकार से सजोकर रखना है। इसी की कड़ी में आज़ादी की इस लड़ाई में जिन लोगों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज हम सभी लोग खुली हवा में सांसें ले रहे हैं और इसके साथ ही अभी हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस मनाया है, उन लोगों ने जिन्होंने कारगिल के युद्ध में देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, तो आज के इस समय में ये सभी की ऊपर इस बात का एक दायित्व तो बनता है कि वो इन वीरों के शहीदों के परिवारों की देखभाल हम लोग स्वयं भी करें और अपनी नगर निगम गोरखपुर ने अपनी इस नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ये फैसला लिया है कि हम लोग बोर्ड और कार्यकारिणी के माध्यम से एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है या उसके बाद देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया है, उनके परिवारों को हम लोग घृकर और जलकर दोनों से पूरी तरह से मुक्त रखेंगे। बहुत ही शीघ्र हम लोग अपने बोर्ड के बैठक में इस प्रस्ताव को ले आएंगे और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करके इन लोगों ने जो देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान किया है उन लोगों के चरणों में उनको अपने श्रद्धा सुमन इस माध्यम से इस तरीके से अर्पित करेंगे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कांग्रेसी सांसद अधीरंजन चौधरी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पलटवार, कहा देश की महामहिम राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी है अत्यंत निंदनीय, यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी है अपमान। मुहर्रम रक्षाबंधन शिवरात्रि का त्यौहार सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा परंपरागत रास्तों से ही लाए व ले जा सकेंगे ताजिए, नई परंपरा नहीं होगी कायम। जनपद में लगातार ट्रैफिक को लेकर जमीन पर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त करने के लिए आईटीएमएस कंट्रोल रूम का एसपी ट्रैफिक ने किया निरीक्षण, कहा महानगर की सड़कों पर चलने वाले लोग अब हो जाएं सावधान, एक दिन में 1,00,000 ऑटोमेटिक चालान करने की है क्षमता। गीड़ा थाना क्षेत्र के गाहा साड़ में अनियंत्रित होकर स्कूली बस पलटने से आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। स्कूल प्रबंधन ने घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भेजकर कराया इलाज। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार, तहरीर मिलने पर की जाएगी उचित कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन हो गई है अलर्ट, शांतिपूर्वक सभी त्योहार को संपन्न कराने के लिए पुलिस है कटिबद्ध। नागरिकों से की अपील, कहा जैसे पिछले दिनों में दिया है सहयोग वैसे ही शांतिपूर्वक मनाए आगामी त्योहार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदेश पर अपने प्राण निछावर करने वाले शहीद के परिवारों को नहीं देना पड़ेगा नगर निगम का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा नगर निगम अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए लिया है यह फैसला। विश्व बाघ दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर टाइगर का किया गया आयोजन। स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ किया प्रतिभाग। डीएफओ विकास कुमार यादव ने कहा टाइगर बचेगा तो ही बचेगा हम सभी का जीवन। विभिन्न चौराहों पर रोड के किनारे और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के विरुद्ध ट्रैफिक विभाग चला रहा है अभियान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर एमबी एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम ने चलाया स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में जनपद को टॉप 10 में लाने का है लक्ष्य।
और स्वर्गीय चंद्रमौली पांडे की पुण्यतिथि पर आयोजित अंडर 15 जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिले के सभी अखाड़ों एवं गांवों से लगभग 120 बच्चों ने किया प्रतिभाग। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महामंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, स्वर्गीय चंद्रमौली पांडे की स्मृति में हुई कुश्ती प्रतियोगिता ही है उनको सच्ची श्रद्धांजलि। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग, खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853-59646। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905-844-992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व वाघ दिवस के उपलक्ष्य में DFO विकास कुमार यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को पैडलीगंज स्थित वन विभाग के द्वारा रन फॉर टाइगर को प्राणी उद्यान के डायरेक्टर डॉक्टर राजा मोहन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में DFO विकास कुमार यादव ने बताया कि विश्व टाइगर दिवस पर रन फॉर टाइगर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें टाइगर के संरक्षण के लिए जागरूक किया जा सके। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ सैकड़ों की संख्या में हिस्सा लिया तथा करीब 3 किलोमीटर के रन किया गया, जो चिड़ियाघर के रेस्ट हाउस पर जाकर समाप्त हुआ। उन्होंने कहा कि टाइगर बचाने का मुहिम चलाया गया है। टाइगर बचाना है तो जीवन बचाना है। टाइगर बचेगा तो जंगल बचेगा, और जंगल बचेगा तो जल बचेगा, और जल बचेगा तो हम सभी का जीवन बचेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DFO विकास कुमार यादव ने कहा, नहीं, 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 नहीं।
जिसमें हम सबको प्रतिभाग करना है, समाज को ये संदेश देना है, बच्चों में ये अवेयरनेस लानी है पशुओं के प्रति प्रेम को लेकर के। इसके पूर्व में भी लखनऊ जू जब अपना शताब्दी वर्ष मनाया था, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे, उसमें भी पशुओं को लेकर करके एक अवेयरनेस कैंपेन किया गया था। और जैसे यहाँ पर इतने सुंदर बच्चे और प्यारे बच्चे आए हैं, उसी तरीके से वहाँ पर भी 200-250 बच्चों ने एडॉप्शन को लेकर के, सेव एनिमल्स को लेकर के एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था। तो ये जो विभाग का एक मिशन है, हमारे दोनों माननीय मंत्रीगण डॉक्टर अरुण सक्सेना, श्री केपी मलिक साहब, मुख्यमंत्री जी के निर्देश में लगातार पूरे प्रदेश में इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो वृक्षारोपण को लेकर के हो, चाहे वो पशुओं के प्रति प्रेम को लेकर करके हो। तो एक मिशन की तरीके से ये कार्य हो रहा है। हम लोगों ने, विभाग ने ये गोरखपुर से इसलिए चुना क्योंकि सबको पता है कि हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो पशुओं के प्रति प्रेम है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज हम लोग यहाँ बैठा हुआ है टनफा टाइगर के लिए। आपको सबको मालूम है यहाँ उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व और 1 भी बनने वाला है। इसमें प्राकृतिक रूप से हम लोग कैसे बाघ को बचाएंगे और शिकारियों से इसको कैसे बचाएंगे, उसका नंबर्स को कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि बाघ हो तो अवेयरनेस कैंपेन है, ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लेकर करके जाएगा। और चूंकि बच्चों से जब कोई भी अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है तो उनके पेरेंट्स, उनसे जुड़े हुए उनके रिलेटिव्स, और ये बड़े लेवल पर जो है वो समाज कहीं ना कहीं से, ये जो तंत्र है पारिस्थितिकी तंत्र में टाइगर एक अहम भूमिका निभा रहा है। अगर हम टाइगर को बचा लेते हैं तो स्पष्ट होता है कि हम जो है पूरे फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, फॉरेस्ट को सुरक्षित रखना। इकट्ठे हुए हैं टाइगर बचाने की जो मुहिम है, टाइगर बचाना है मतलब जीवन बचाना है, और उसी के संबंध में सर ने बोला है कि टाइगर बचेगा तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो जल बचेगा, और जंगल जल बचेगा तो हम लोग बचेंगे। तो मेरा तो यही नारा है कि टाइगर बचेगा, टाइगर बचाना है और जीवन बचाना है। मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि और सैकड़ों लोगों को ये संदेश जाए कि टाइगर बचाएँ और अपना जीवन बचाएँ। और मैं लास्ट में एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा जो रूट है आज का जो मैराथन हमारा रन फॉर टाइगर का जो रूट रहेगा, बड़ा सिंपल रूट है। यहाँ से आप लोगों को एकदम सीधे जाना है और जो हमारा ये फिर बाड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ तो एकदम ताल के किनारे ही जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। बीच में एक दो बार बैरिकेडिंग लगा हुआ है तो वहाँ आपको पैदल ही उसको क्रॉस कर लेना है, एकदम सीधे ताल के किनारे ही जाना है। आपको उस दाएं हाथ पर इसी तरह का जैसे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, एक फिनिशिंग पॉइंट दिखेगा जो हमारा चिड़ियाघर का रेस्ट हाउस है, उसका वो पीछे का दरवाज़ा है, वहाँ से आपको एंटर करना है, वहीं आपका जलपान का रिफ्रेशमेंट का व्यवस्था किया गया है। तो एकदम सीधा रूट है, बीच बीच में हमारे लोग खड़े हुए हैं गाइडेंस करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, जो हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं उसको उपलब्धि तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे बिल्कुल आराम से 2 किलोमीटर का ये पैच है जिसको कंप्लीट करेंगे। रेडी, पीछे 1, 2, 3 गो। चलो चलो सामने देखो, इधर उधर मत, साथ में आओ, साथ में आपने आज बाप को तरीके
देखिए आज इंटरनेशनल टाइगर डे पे रन फॉर टाइगर का कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें जो है टाइगर के लिए संरक्षण के लिए ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके, इसलिए गोरखपुर वासियों को सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं और बच्चों ने अति उत्साह इसमें दिखा रहे हैं बच्चे। और ये लगभग 3 किलोमीटर की एक रन है जो कि टाइगर के संरक्षण के लिए हम लोगों ने आयोजित किया आज। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न चौराहों पर रोड के किनारे और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है तथा वाहनों में विल्ड क्लैंप लगाकर कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि महानगर में शाम के वक्त रोड पर ज्यादा भीड़ होती है, इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है तथा जो लोग रोड के किनारे एमबी एक्ट धारा का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि वाहनों का नंबर प्लेट अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने जनपद के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अभियानों का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि हमारे गोरखपुर वासी सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें। तो शाम के टाइम पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो थाना पुलिस की रेगुलर पेट्रोलिंग की तरह ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम करती है। जो लोग रोड पर किसी भी एमबी एक्ट की धारा का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, चाहे उनकी नंबर प्लेट गड़बड़ हो या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगी हो अथवा रॉन्ग डायरेक्शन से आ रहे हों, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में जनपद को टॉप 10 में लाने के लिए नगर निगम में काम प्रारंभ कर दिया गया और प्रत्येक माह की नगर निगम की जो गतिविधियां हैं उनको AIMS और स्वच्छ मंच को पोर्टल पर लोड कर रहे हैं और जो 2023 की मुहिम है कूड़े से कैसे धन की प्राप्ति करेंगे, कूड़े को इकट्ठा किया जाता है उसे कबाड़ी खरीदते हैं तथा उस कूड़े को मशीन में कंपोस्ट करके कानपुर भेजा जाता है, वहां से जो पैसा आय होता है उस पैसे को कबाड़ियों के बीच में बांटकर उनके परिवार का सामाजिक आर्थिक उत्थान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में गोरखपुर जनपद को टॉप 10 शहरों में लाने के लिए नगर निगम गोरखपुर ने अपनी एक्सरसाइज प्रारंभ कर दिया है और प्रत्येक माह की जो हमारी गतिविधियां हैं उनको हम लोग MIS और स्वच्छ मंच पोर्टल पर लगातार लोड कर रहे हैं। और इस बार की जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो थीम है मुख्य फोकस है वेस्ट टू वेल्थ, कूड़े से कैसे हम धन अर्जन करेंगे, कैसे हम राजस्व प्राप्त करेंगे। जैसे कि बहुत जगहों पर आपने भी देखा होगा इसके पहले भी गोरखपुर भी इस प्रकार के काम कर रहा है कि गीले कूड़े को सूखे कूड़े को घर से ही हम लोग सेग्रीगेशन के माध्यम से ले रहे हैं, डोर टू डोर कूड़ा जो कलेक्शन कर रहे हैं उसमें हम लोगों को बहुत अच्छी आय हो रही है, बहुत बड़े एरिया को हम लोग कवर कर रहे हैं और उसमें से भी जो हमको आय हो रही है उसमें से हम 10% अपने ड्राइवर को, अपने क्लीनर को, जो क्लीनर हेल्पर और सुपरवाइज़र इन सबको हम लोग 10% इंसेंटिव भी अलग से दे रहे हैं। कहने का मतलब अगर 100 रुपये मिलता है हमारे पास आता है तो उसमें हम 30 रुपये से ऊपर इन कर्मचारियों को एज बोनस एज इंसेंटिव उनके गुडवर्क के लिए दे रहे हैं। इससे उनके बीच में बहुत ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास जो हमारा MRF सेंटर है, जो हमारा कान्हा गौशाला है, दोनों जगहों पर हम लोग वर्मी कंपोस्ट और फूलों से भी कंपोस्ट बना रहे हैं और इसको हम लोग मार्केट में संजीवनी के नाम से ऑर्गेनिक कंपोस्ट करके इसको सेल कर रहे हैं, उससे भी हमारे पास बहुत अच्छी आय हो रही है। इसके साथ साथ गोरखपुर नगर निगम जो पहले बाहर से कंपोस्ट को खरीदता था, खाद को खरीदता था अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पार्कों को और जो हमारे यहाँ प्लांट्स हैं उनको जो खाद की सुविधा देने के लिए उसकी भी हम लोग खरीदारी वहीं से कर रहे हैं तो उससे भी एक बहुत अच्छी आय हमें हो रही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो एक रैक पिकर्स के माध्यम से रैक पिकर्स का एक ग्रुप बना रखा है और साथ साथ उन रैक पिकर्स के द्वारा जो कूड़ा खरीदा जा रहा है उस कूड़े को हम लोग जो इकट्ठा कराते हैं
और उसको कबाड़ी लोग खरीदते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ मशीन लगी हुई है, उन मशीनों से उनको कंप्रेस करके हम लोग जो है कानपुर भेज रहे हैं, वहाँ से जो पैसा आय हो रही है उस पैसे को हम लोग इन रैक पिकर्स के बीच में, कबाड़ियों के बीच में बाँट कर इससे इनके परिवार का सामाजिक आर्थिक उत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार का एक बहुत ही नोबेल काज को लेकर इसकी थीम रखी गई है वेस्ट टू वेल्थ, और निश्चित रूप से इससे जो लोग अब तक समझते थे कि जो कूड़ा किसी काम का नहीं है और अब ये कूड़ा जो है कंचन बन गया है और लोगों की आय का एक बहुत अच्छा स्रोत बन गया है। स्वर्गीय चंद्र मौली पांडे की पुण्यतिथि पर आयोजित अंडर 15 जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम स्थित कुश्ती हॉल में आज आयोजित की गई, जिसमें गोरखपुर जिले के सभी अखाड़े एवं गांव से लगभग 120 बच्चों ने प्रतिभाग किया। सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के महामंत्री पंकज कुमार सिंह ने पुरस्कृत किया एवं सभी प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने एवं बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्नेलाल यादव, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जनार्दन सिंह यादव, सचिव जिला कुश्ती संघ माया शंकर शुक्ला, राष्ट्रीय पहलवान विवेकानंद तिवारी, उपाध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ आदित्य प्रताप सिंह, SG यादव साहब यादव, शत्रुधन राय, बोरिक यादव, परशुराम यादव, अजय राय, अरविंद पांडे, सावन सिंह, गोरख यादव एवं पूर्वोत्तर रेलवे के सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महामंत्री पंकज कुमार सिंह जी द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के राष्ट्रीय पहलवान देवेंद्र यादव सेवानिवृत्ति के उपरांत पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा उनको सम्मानित किया गया एवं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई दिया एवं उत्साहवर्धन किया और सभी पदक विजेता बच्चों को आने वाले टाइम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए शुभकामनाएं एवं उत्साहवर्धन किया एवं कहा कि स्वर्गीय चंद्रमौली पांडे की स्मृति में हुई कुश्ती प्रतियोगिता उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के महामंत्री एवं पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, Thank you.
निश्चित रूप से उनकी तस्वीर और लोगों के अंदर उनके लिए सम्मान देकर लगता है बहुत बहुत समस्या और जो उनके शिष्य है जैसा कि हमारे जो भारतीय कुश्ती टीम का जो था हमारे शायद क्रीड़ा स्तर चंद्र जी दरागन यादव जी और ऐसे और भी कई लोग जो उनके बचपन लोग हैं जो घर उनको अगर कोचिंग प्रदान की इस तरह का आयोजन इस क्षेत्र में कुश्ती को बढ़ावा देगा और जिस तरह की कुश्ती आज देखने को मिल रही है एक बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे बड़े बच्चों से लड़ने की हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं अपने आप को बड़ी बात है। जिला कुश्ती संघ के सचिव माया शंकर भगला जी का बाल विभाग के सम्मान प्रतियोगिता सफल बनाने के लिए दिया जाना है कि जो लोग खड़े हैं उनको टी शर्ट दिया जा रहा है। स्वर्गीय चंद मौली पांडे जी जो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच रहे, टीम इंडिया के भी कोच रहे, और उन्हीं की स्मृति में आज उनकी पुण्यतिथि है, उन्हीं की स्मृति में ये कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जो हमारे चंद विजय जी हैं जिन जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जनार्दन जी हैं जो यहाँ के कुश्ती के बड़े नाम हैं, ये लोग उनके शिष्य रहे हैं और इनके जैसे और भी कई अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी उन्होंने अपने यहाँ से प्रोड्यूस किए, कोचिंग देकर निकाला। तो बहुत ही महान शख्सियत जिनकी याद में ये इन्होंने ये प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें पूरे गोरखपुर ज़िले के अलग अलग जगह से गांवों से लोग आए हैं, बच्चे आए हैं और 8 अलग अलग वेट कैटेगरी में उसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी कुश्ती हुई है, फाइनल थोड़ी देर में होने वाला है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से जो नए टैलेंट हैं उनके टैलेंट में निखार आता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो व्यवस्था है अभी जैसे मैट वगैरह इस पर खेलने का मौका मिलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं उनके साथ खेलने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी पहल है और मैं इन सभी लोगों को जो आयोजन करता समिति है उनको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पलटवार, कहा देश की महामहिम राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी है अत्यंत निंदनीय, यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी है अपमान। मुहर्रम रक्षाबंधन शिवरात्रि का त्यौहार सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा परंपरागत रास्तों से ही लाए व ले जा सकेंगे ताजिए, नई परंपरा नहीं होगी कायम। जनपद में लगातार ट्रैफिक को लेकर जमीन पर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त करने के लिए आईटीएमएस कंट्रोल रूम का एसपी ट्रैफिक ने किया निरीक्षण, कहा महानगर की सड़कों पर चलने वाले लोग अब हो जाएं सावधान, एक दिन में 1,00,000 ऑटोमेटिक चालान करने की है क्षमता। गीड़ा थाना क्षेत्र के गाहा साड़ में अनियंत्रित होकर स्कूली बस पलटने से आधा दर्जन बच्चे हुए घायल, स्कूल प्रबंधन ने घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भेजकर कराया इलाज। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार, तहरीर मिलने पर की जाएगी उचित कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन हो गई है अलर्ट, शांतिपूर्वक सभी त्योहार को संपन्न कराने के लिए पुलिस है कटिबद्ध, नागरिकों से की अपील, कहा जैसे पिछले दिनों में दिया है सहयोग वैसे ही शांतिपूर्वक मनाएं आगामी त्योहार। स्वतंत्र
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदेश पर अपने प्राण निछावर करने वाले शहीद के परिवारों को नहीं देना पड़ेगा नगर निगम का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, नगर निगम अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए लिया है यह फैसला। विश्व बाघ दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर टाइगर का किया गया आयोजन। स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ किया प्रतिभाग। डीएफओ विकास कुमार यादव ने कहा, टाइगर बचेगा तो ही बचेगा हम सभी का जीवन। विभिन्न चौराहों पर रोड के किनारे और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के विरुद्ध ट्रैफिक विभाग चला रहा है अभियान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर एमबी एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम ने चलाया स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में जनपद को टॉप 10 में लाने का है लक्ष्य। और स्वर्गीय चंद्रमौली पांडे की पुण्यतिथि पर आयोजित अंडर 15 जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिले के सभी अखाड़ों एवं गांवों से लगभग 120 बच्चों ने किया प्रतिभाग। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महामंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, स्वर्गीय चंद्रमौली पांडे की स्मृति में हुई कुश्ती प्रतियोगिता ही है उनको सच्ची श्रद्धांजलि। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।